हमारे बीच जो इस वक्त जो व्यक्तित्व बैठे हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, ये इनकी मुलाकात जो है लगभग अधिकांश ऐसे साहित्यकारों से है जिन्हें हम कभी भविष्य में कल्पना करेंगे कि यह भी थे वह भी थे। आइए मैं आज आपको सुना रहा हूँ जब इनकी मुलाकात श्री सच्चिदानंद हीरानंद पाशाह। और मैंने ये एक पैकेट तैयार किया था जिसमें दो लंबी कविताएं, एक राम किशोर की पूजा और एक अवसाद के पूजा। मेरे मन में बार बार जिज्ञासा होती थी कि मैंने पाठ सही किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, या कहाँ क्या कमियां हैं, किसे पूछूं। अगीत जी थे और उनसे पुरस्कार मिला था। मैंने अपना पैसे करके उनके पास अपना में नौकरी करने लगा। अग्नि जी ने एक लंबी चिट्ठी भेजी थी जिसको पूरा सुना था और ये कहा था कि मेरी कविता के पाठ में हम और आप जब मिलेंगे तो कुछ बात होगी, और ये कहा था कि आपका स्वर बहुत अच्छा। फिर वो अपना जन्मदिन मनाने जब आए थे कुशीनगर, इसमें मुलाकात हुई थी बात की। उसके बाद अजीत जी जब जय जानकी जीवन यात्रा में थे उस समय उन्होंने पत्र द्वारा सूचित किया था कि मैं फला तारीख को अयोध्या गेस्ट हाउस में इतने बजे से इतने समय तक मिलूंगा। मैं मिलने गया था, लंबी बातचीत हुई थी, फिर उस काव्य पाठ की चर्चा थी जी। उन्होंने कहा हाँ वो कैसे काव्य है, साथ में नहीं लाया हूँ। और उन्होंने कहा कि बड़ी मनोरंजक बात आपको सुनाऊंगा। आए दिन श्री मंगल सिंह सुमन बहुत थके मारे मेरे आवास पर आए और सोफा पर लंबी सांस लेते हुए बैठे और उनका गेज लगता है अब चला चली की बेला है। मैंने कहा हर जगह हर जगह सुमन जी अब उम्र भी हो गई है, सारी चीज़ें आपके ठीक ठाक हैं। उनका ये एक कष्ट है गेज का, तो मैंने पूछा क्या कष्ट है। सुमन जी ने कहा कष्ट ये कि मेरे मरने के बाद कोई राम की सत्य पूजा पढ़ने वाले नहीं रहता। अग्नि जी ने कहा कि यह कष्ट आप दूर कर लीजिए, मैं तत्काल आपका कष्ट दूर करता हूँ। और कहा उन्होंने कि मैंने आपका कैसेट लगाया, बड़े धैर्य से सुनते रहे और पाठ के अंत में जाकर उनकी आँख से आंसू आ गया। उन्होंने कहा अग्नि जी ये प्रसन्नता के आंसू हैं, ये कौन आदमी है, मैंने आपका परिचय दिया। और उन्होंने यही कविता मुझको सुनाई कि मैं मरूंगा सुखी क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई। ये इतनी बातचीत अयोध्या गेस्ट हाउस की याद है और सब बातें हुई थी। मैंने जब ये कहा कि देहात में साहित्य की साधना नहीं हो पाती है तो अगले जिनका कि नहीं देखिए तो समय आ रहा है, उसमें साहित्य यदि बचेगा तो देहातों में ही बचेगा। शहरों का ऐसा विकास हो रहा है जो साहित्य को धीरे धीरे निर्वासित करता है।